अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, देख रहे हैं आप चिनारी व्लॉग में, आपको खुशामदीद। आज हम खड़े हैं दोबारा अंडरपास के किनारे, मैं और नदीम साहब। नदीम साहब आज हमारे जवान लग रहे भाई। देख, ये देखे इन्होंने जी, दाढ़ी सफ़ेद कर लिए, काला कोला लगाया, बाल 20% इनका बाल बचा हुआ है, वो 20% बाल पे भी इन्होंने काला कोला लगा दिया, काला कोला लगा दिया इन्होंने, बोल के रहे जवान रहना। ये देख रहे हमारे जवान साहब को, जवान अभी भाई उसकी शादी कब है फरहान की? अभी तय है भाई। नहीं, फरहान की शादी नहीं यार, अभी 13 तारीख को। हाँ, 13 तारीख को बेटा, मेरे को सब रिपोर्ट पता है मेरे को। तो बिरयानी ना खिला चल जाना, बुलाएगा नहीं बुलाएगा? बुला लेंगे, देखते हैं। ये देखिए जी यार, इस अंडरपास का 1 साल से ऊपर हो गया, साल से ऊपर हो गया ना। हाँ, साल है, पूरा 1 साल हो जाएगा 29 तारीख को। 29 अक्टूबर को इसका उन्होंने संग बुनियाद रखा था, 29 अक्टूबर 2023, 29 अक्टूबर 2024, ये तकरीबन आधा किलोमीटर का काम इन्होंने कर दिया आधा किलोमीटर पता नहीं है भी नहीं है, लेकिन इतना लग रहा है। ये देख ले, जब तक हलवा था इन्होंने काम फटाफट कर लिया। अब सारे मट्टी फिक गए, रेती बजरी खत्म हो गया, पत्थर निकल गया, तो काम देख ले भैया, 4-5 महीने में यही टिकावा आगे नहीं बढ़ रहे आगे में बड़ा। इनको मजाक सूझी भी है अंडर पास को, और इधर कारोबारी हालात जो है ना, वो पलट दिन हो गए, अभी वो काम शुरू नहीं करा, 15 दिन हो गए फ्रज जले हुए। अब वो सामने ढाका स्कूल की हालत देखे बेचारे, इसके बराबर ये सारे TCS वाला है, अच्छा इसके पंजाब बैंक है, उसके आगे यूनिकोपियर वाले हैं, जमजम है, अच्छे सारे कारोबारी हजरात हमारे आगे पेपर्स वाले अस्करी बैंक है, ये सब देखिए कितने परेशान है यार। ये बेचारे पता नहीं कैसे सरवाइव कर रहे हैं, कुछ समझ से बाहर है। और इधर पट्टी हमारे स्पोर्ट्स वाले हैं, ये देखिए स्पोर्ट्स की पट्टी है, कुछ दुकानों में ना बंदा ना बंदे की जात है। हमारा हम जब सुबह आते हैं टीवी देख रहे होते हैं, शाम को टीवी बंद करके घर चले, ये हाल है कारोबार के। अब कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई इस बात को समझने को तैयार नहीं, कोई उकामे वाला आके पूछे कि यार इस मार्केट में क्या मसला मसाइल है, हम लोगों के साथ यार इस अंडरपास से कोई फर्क तो नहीं पड़ना। हमारा बिकाऊ मीडिया है, उनको भी तस समझ नहीं है। अच्छा भाई, बाकी परेशान है गरीब आवाम, गरीब दुकानदार, इनका कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा भाई, यहाँ ना गाड़ी आ सकते है ना रिक्शा आ सकते है। अच्छा रशीद सन से आगे उनकी भी हालत बहुत ख़राब है। अब अल्लाह खैर करे भाई, कोई इनसे अल्लाह इनको हिदायत दे दे, ये दुआ कर सकते हैं। और जल्दी जल्दी काम करे, जान छूटे भाई यहाँ से, भाई यहाँ से रोड चालू हो, यहाँ से गाड़ियाँ आएगा तो लोगों की रोज़गार रोटी लगी हुई है। एक एक दुकान में 3-3-4 बंदे काम करने वाले हैं, उनकी फैमिलियाँ हैं, हज़ारों लोग यहाँ पर इस पट्टी पे, मीना बाज़ार और बाज़ार फैसल, अच्छा ये आगे पेपर वाले, फिर स्पोर्ट्स वाले, फिर आगे जाके स्नोकर वाले, अच्छा बैक साइड पे आपको होलसेल की दुकान है, यूनाइटेड बेकरी है, ये सब पुरसाने हाल ही नहीं है भाई। सर साहब जा रहे हैं, इनको भी पुरसान हाल ही, एप्लीकेशन लिख के दिया, लेकिन कोई इनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा भाई। ये देख रहे हैं भाई, आज की मुख्तसर से व्लॉग में इतना ही। आप सब भाइयों से गुजारिश है, हमारे करीम आबाद अंडरपास के लिए आवाज़ उठाएं, इसको जल्द से जल्द तकमील हो। अगर ये हुक्काम बाला तक ये वीडियो पहुँचती, सर आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, हम तमाम दुकानदार हजरात आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, इस अंडरपास को जल्द से जल्द मुकम्मल कर दे, आप इसको आगे तक लेके जाओ ब्रिज तक, और ब्रिज के बाद आप आगे जितना अर्सा लगाने लगा ले, साइड के रास्ते खुल जाएगा, कम से कम सुख का सांस हम लोग ले सके भाई। इतनी सी मुख्तसर गुजारिशात के बाद अगली वीडियो तक तो आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अगर चैनल पर नया है तो आपने सब्सक्राइब करनी है, लाइक करनी है और शेयर करनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।